जाने मिले इस्लामी के प्रेसिडेंट है और शिफा भाई भी स्वास्थ्य मिनिस्टर जाने कोऑर्डिनेशन कमेटी से जुड़े हुए हैं, पूरे मूवमेंट को चला रहे हैं और पूरी इस्तेकामत के साथ, पूरी मेहनत के साथ और पूरी लगन के साथ हमारे साथ दिन रात जुड़े हुए हैं। सुबह लगभग 10-11 बजे ये आ जाते हैं और रात के 11-12-1 बजे तक हमारे साथ जुड़े रहते हैं इस मूवमेंट के लिए। मैं दरख्वास्त करता हूँ शिफा भाई से आए और अपनी बात करें। मेरे छोटे भाई का शुक्रिया। गुरेश जी की मेरी बहन माँ और बहने, मेरे छोटे भाइयों ने सारी बात कही, एनपीआर के बारे में आपको बताया, एनआरसी और सीए के बारे में भी डिटेल से साहिल ने जो डिटेल आपको बताई, मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ दो बातें आप लोगों को बताना चाहता हूं, एक जामिया मिल्लिया इस्लामिया की तारीख से ताल्लुक रखने वाली और एक वो कि जो आप लोग, हम ज्यादातर लोग यहाँ पर माइग्रेट हैं, बाहर से आए हुए लोग हैं, उसी सिलसिले में बात करूंगा। जामिया मिल्लिया इस्लामिया जिस वक्त बनी, मैं आप लोगों को जामिया की तारीख इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि आज वही तारीख दोहराई जा रही है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया जिस वक्त बनी, उस वक्त दो तहरीकें चल रही थी हिंदुस्तान के अंदर, एक खिलाफत मूवमेंट और एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये दो मूवमेंट ऐसे थे जो एक मूवमेंट महात्मा गांधी चला रहे थे और एक मूवमेंट खिलाफत मूवमेंट मौलाना मोहम्मद अली जो चला रहे थे। तो दोनों लोगों की उस वक्त बात हुई आपस में बैठ कर के, हम दोनों मुख्तलिफ, हम एक चीज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन दोनों के रास्ते अलग अलग है, तो क्यों ना हम एक साथ बैठ के ये हम दोनों मिलकर एक लड़ाई लड़ी जाए और लंबी लड़ाई लड़ी जाए। तो उस वक्त ये तय हुआ कि दोनों मूवमेंट एक साथ चलेंगे, खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। महात्मा गांधी ने दावत दी मौलाना मोहम्मद अली जौहर को और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने डॉक्टर मुख्तार अंसारी, शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन जो उस वक्त आपका जेल में मौजूद थे, क्योंकि वो उस वक्त 1915 में रेशमी रुमाल तहरीक चला रहे थे, उसी दौरान वो गिरफ्तार हुए थे और चार साल शेखुल मौलाना महमूदुल हसन जेल में रहे और आते ही जैसे 1920 में ये तहरीक शुरू हुई, उसी वक्त जामिया मिल्लिया इस्लामिया तैयार हुआ और वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर इसकी नींव रखी गई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जामिया मिल्लिया इस्लामिया को दिल्ली करोड़ बाग लाया गया और करोड़ बाग से आखिर 1937 के अंदर जामिया मिल्लिया इस्लामिया ओखले के अंदर मौजूद रही। तो मैं इस तारीख इसलिए बता रहा था कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया एक अपने आप में तहरीक है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया का वजूद तहरीक के जरिए आया और उसी वक्त से आज तक जब भी कोई तहरीक चलती है जामिया मिल्लिया इस्लामिया उसमें सबसे आगे रहती है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने हमारे वक्त के अंदर 1970 में एक माइनॉरिटी स्टेटस की लड़ाई लड़ी और वो हमने कामयाबी हासिल करी। उसके बाद जो भी तहरीक हमारे वक्त में वजूद में आई, हमें कोई ऐसी तहरीक नहीं है जो कि हमें कामयाबी ना मिली हो। आज जो तहरीक शुरू हुई है, ये तहरीक एक नुमाया तहरीक है। आज हमारे जामिया मिल्लिया इस्लामिया को 100 साल होने जा रहे हैं और उस 100 साल में हम जश्न मना रहे हैं एक मूवमेंट के लिए, उस मूवमेंट के लिए जो पूरे हिंदुस्तान के संविधान, पूरे हिंदुस्तान के लिए संविधान के लिए है, हमारे मुल्क के बचा, हमारे मुल्क को, SC ST को और दूसरे लोगों को, ट्राइबल को बचाने की लड़ाई है और आज जामिया मिल्लिया इस्लामिया पूरे हिंदुस्तान में लड़ाई लड़ रही है। जामिया के अलुमनाई, आज जामिया का अलुमनाई जो जामिया से फारिग है, जामिया से पढ़ा लिखा है, वो पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे दुनिया के अंदर मूवमेंट चला रहा है। मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि आज हम लोगों ने, आज हमारी जामिया अलुमनाई एसोसिएशन यहाँ मौजूद है, उसने पूरे हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह पर प्रोटेस्ट शुरू करा दिए है। हम लोगों ने सारे अलुमनाई को जो हमारे हिंदुस्तान में फारिग है, दुनिया के अंदर फारिग है, वो लोग जहाँ भी है वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हिंदुस्तान में बिहार के अंदर जगह जगह पर सीवान है, दरभंगा है, पटना है, हजारीबाग, सब जगह जामिया अलुमनाई प्रोटेस्ट कर रहा है। कलकत्ता के अंदर जामिया अलुमनाई है,
अब यूपी के अंदर भी शुरू होने जा रहा है। हम साहिल की टीम और हमारी टीम यूपी के अंदर इंशाल्लाह हम शुरू करने जा रहे हैं मेरठ मुजफ्फरनगर में पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर सबसे ज्यादा जागती हुई है, हमारे शहीद सबसे ज्यादा बच्चे हमारे छोटे भाई थे जो शहीद हुए हैं वो यूपी में पश्चिम उत्तर प्रदेश में शहीद हुए हैं। और मैं जहाँ तक समझता हूँ यहाँ पर दिल्ली में जो माइग्रेशन है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश का बहुत ज्यादा है। आज हम लोग अपने घर बार छोड़कर दिल्ली के अंदर आए, कोई कारोबार से ताल्लुक रखने वाला कारोबार के जरिए आया, कोई पढ़ाई के जरिए आया, कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने आया था, कोई पढ़ने के बाद में यहाँ पर रुक गया। यहाँ पर रुकने के बाद सब लोग ज्यादातर लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी में जहाँ तक समझता हूँ सबने अपनी बेच दी, जो जहाँ से आया था उसने वो अपनी प्रॉपर्टी बेच दी। आज उसका वो वहाँ के उस गांव के उस शहर के उस कस्बे के अंदर रजिस्टर में उसका नाम नहीं है। तो सबसे ज्यादा जो परेशानी आने वाली है वो हम लोगों को आने वाली है, हम जो माइग्रेट किए लोग हैं उन्हें बहुत ज्यादा परेशानियां आएगी। तो मैं आप लोगों से इस बात को कहना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में आज से ही बल्कि आप लोग जहाँ भी जो भी आपका रिश्तेदार ताल्लुक वाला रहता है उसको आपको ये कहना है कि हर घर से हर परिवार से एक आदमी चाहिए। अगर हमारे आज हमारे पास अगर 30 करोड़ लोग हैं, आज मुसलमान 30 करोड़ है, तो मैं समझता हूँ 30 लाख लोग अगर सड़क पर आ गए तो मैं जहाँ तक सकता हूँ कि ये क्या एनआरसी क्या हम तख्ता ही बैठ सकते हैं और ये एक दिन के लिए है। मैं अगर हम लोग 500 रुपए कमा रहे हैं तो 300 रुपए प्रोटेस्ट के लिए दीजिए, 300 रुपए अपने घर के लिए दीजिए, अपने घर में खर्च होने चाहिए और 200 रुपए प्रोटेस्ट के लिए दीजिए। क्योंकि ये लड़ाई शायद एक साल में लड़ी जा सकती है, 5 साल में लड़ी जा सकती है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, दुनिया के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं वो हमारे जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोग चला रहे हैं। लंदन के अंदर जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू किया और उन्होंने वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को दिया। अमेरिका के अंदर भी अलीगढ़ जामिया के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी किया, जर्मनी में भी किया और दूसरी कंट्रियों में भी, गल्फ में भी, गणतंत्र लोग हमारे जो जामिया के तलबा है या अलीगढ़ के तलबा है वो दोनों लोग अर्बन से जो अरबी है उन लोगों से जो रिहायशी है शहरी लोग है उनसे बात कर रहे हैं और एक अच्छा मूवमेंट चलाने की कोशिश है। क्योंकि अरब कंट्रीज में मूवमेंट नहीं चलता, वो एम्बेसीज में जाकर अपना मेमोरेंडम दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग ये ना समझे कि हम लोग अकेले हैं, आप लोग कभी ये ना समझे कि ये लड़ाई सिर्फ फौजी के अंदर लड़ी जा रही है, ये लड़ाई पूरी दुनिया के अंदर लड़ी जा रही है। इसीलिए इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। और मैं आप लोगों को फिर एक बार बताना चाहता हूँ कि मैंने आप लोगों को इसलिए दो बातें बताई, दो जामिया इस्लामिया तहरीक की जामिया इस्लामिया किस तरह पैदा हुई और क्यों हुई, और एक ये शायद जामिया इस्लामिया आज के लिए ही बनी थी और जामिया ने जो तहरीक चलाई है वो इसलिए आज 100 साल के अंदर फिर दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम लोग जरूर कामयाब होंगे। और मैं अपने जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के या यूपी के लोग हैं यहाँ पर, मैं उन लोगों से बताना चाहता हूँ कि जरूर अपने हर रिश्तेदार अपने ताल्लुक वाले से ये जरूर कहें कि हिम्मत ना हारे, हम लोग आपके साथ हैं इस लड़ाई में और आप लोग भी बाहर निकल कर आए। अगर प्रोटेस्ट करना है तो मस्जिद के बाहर आकर करें, अपने घर के बाहर आकर करें। आप आज से ही ये वादा करें अपने रिश्तेदारों में ताल्लुक वालों में, ये फूल करके कहेंगे कि आपके घरों पे कम से कम काला झंडा लगा होना चाहिए, आपके घर के दरवाजे पे एक पंपलेट एक होना चाहिए कि जिस पर लिखा हो नो एनआरसी नो सीए नो एनपीआर। ये प्रोटेस्ट जाहिर करने का एक तरीका है। अगर उत्तर प्रदेश में बाहर सड़कों पर नहीं आ सकते तो दरवाजों पे अपने दरवाजों के बाहर से जरूर अपने प्रोटेस्ट जाहिर करें। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि अपने रिश्तेदारों में जाकर अपना फूल कर ये जरूर कहें कि प्रोटेस्ट जाहिर जरूर करें, ये जाहिर जरूर करें कि हम नाराज हैं इस कानून से, हर तरह से नाराज हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक शेर के साथ मैं एक शेर के साथ आपकी बात खत्म करता हूँ कि राय दुश्वार से गिर हो तो खबर कर देना,
गम के दरिया में जो उतरो तो खबर कर देना, चला आऊंगा तेरी तहरीना मोहब्बत जो ठहरी, कभी टूट के बिखरे तो खबर कर देना। शुक्रिया।